दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का निशान जो दिखाई दे रहा होगा उसको दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेस मैन जॉब्स में, और आज एक नई वैकेंसी के साथ जिसमें कि SBI में क्लेरिकल पोस्ट के लिए, क्लेरिकल कैडर के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है दोस्तों। तो पूरे प्रोसेस को देखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। उससे पहले यदि आप एक्सेसमैन हैं या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का निशान जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको देखने को मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों NDTV की खबर यहाँ पर आई है, उसके अनुसार SBI बिंग एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मोरर इन क्लेरिकल कैडर। तो SBI ने एप्लीकेशन मांगे हुए हैं जो कि आर्मी में आर्मोरर से रिटायर हुए हैं, तो उनके यहाँ क्लेरिकल कैडर के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे हुए हैं दोस्तों। और जैसे कि EME होता है, जो EME कोर होता है उसमें आर्मोरर एक ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो दोस्तों। इसमें आगे जो लिखा है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बिगन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मोरर इन द क्लेरिकल कैडर। द वैकेंसी आर मेंट ओनली फॉर एक्सेसमैन। तो ये वैकेंसी ओनली एक्सेसमैन के लिए है। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल कंडक्ट ऑन फरवरी 12, 2020। तो एप्लीकेशन दोस्तों आप लोगों को 12 फरवरी से पहले देना होगा, ऑनलाइन भरना होगा। कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन टेस्ट व्हिच विल बी हेल्ड ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च को दोस्तों उसको टेस्ट होगा। SBI हैड अलाउंस्ड 29 वैकेंसीज ऑफ आर्मोरर इन द क्लेरिकल कैडर, आउट ऑफ 26 आर मेंट ऑफ कैंडिडेट इन दी अनरिजर्व कैटेगरी। तो 29 यहाँ पे वैकेंसीज टोटल SBI ने मांगी हुई है। आगे दोस्तों इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड 10+2 एग्जाम पास होना चाहिए, और नहीं तो इक्वावेलेंट होना चाहिए जो कि आर्मी आपको सर्टिफिकेट देती है। इन द टर्म ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन द एप्लीकेशन शुड हैव बीन आर्मोरर ग्रेड वन के लिए है। आर्मोरर जो ग्रेड वन है उनके लिए है। वाइल इन द सर्विस एंड शुड बी फुली क्वालिफाइड इन आर्मोरर कोर्स कंडक्टेड बाई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों उसको फुली क्वालिफाइड होना चाहिए और क्लास वन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है। जो EME ट्रेड है, EME कोर है, जो उसमें जो आर्मोरर होते हैं उनके लिए वैकेंसी है, और उनको यहाँ पे क्लास वन फुली क्वालिफाइड होना चाहिए, क्लास वन होना चाहिए। आगे दोस्तों उन्होंने लिखा है द लोअर एज लिमिट इज 20 ईयर एंड अपर एज लिमिट इज 45 ईयर। तो 20 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और 45 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट फुलफिल बोथ द एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन सितंबर 30, 2019। तो सितंबर 30, 2019 तक आपको 45 ईयर तक हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा यदि आपकी एज है या आप 20 साल से कम है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द कैरियर पोर्टल ऑफ SBI वेबसाइट। दोस्तों ये लिखिए, इस वेबसाइट पे जाके आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा, और यहाँ पे कोई फीस नहीं है। यहाँ पे पूरा लिखा है कि जो एग्जम्प्टेड किया गया है आप लोगों को एप्लीकेशन फीस से, और इसकी जो वेबसाइट दोस्तों, ये जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको, इस पे आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस करना है, एप्लीकेशन भरना है। आगे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात लिखी है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज एन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आप आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। द वेजेज ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट इज 100 मार्क एंड दैट ऑफ इंटरव्यू इज 25 मार्क। तो
100 मार्क का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और 25 मार्क यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों अभी है कि इफ़ नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस, बैंक रिजर्व द राइट टू सेलेक्ट द कैंडिडेट थ्रू शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू। यदि जितनी इनको ज़रूरत है उतनी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो बैंक को अधिकार है कि वहाँ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर भी कर सकता है, या फिर उसकी मर्जी है कि वो ऑनलाइन टेस्ट या फिर इंटरव्यू दोनों के आधार पर कर सकता है। लेकिन यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम पहुँचते हैं यहाँ पे तो आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पर भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, जो लोग यहाँ पे आर्मोरा ट्रेड से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका SBI में नौकरी करने का। तो दोस्तों आज की यही खास वैकेंसी जो मेरे पास आई थी वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, और आज आर्मोरा से रिलेटेड थी। यदि आपने चैनल को अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटे का निशान ज़रूर दबा दें। जो सब्सक्राइब बटन दोस्तों वीडियो के नीचे चल रहा है उसको ज़रूर दबा दें, लाल बटन, और साथ में घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आप लोगों को उसका अपडेट मिलता रहे, आप उसका फ़ायदा उठाएँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज के लिए इतना ही।